दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में, जो विटामिन हेयर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस विटामिन की टैबलेट्स जो रहती है वो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कुछ लोगों को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर पीआरपी का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद में भी इसको लेने की सलाह देते हैं। तो ये विटामिन क्या है, ये एक्ट कैसे करता है, इसका डोसेज कितना है, कुछ इंटरेक्शन बाकी ड्रग्स के साथ में इसके है क्या, या फिर कुछ टॉक्सिसिटी लेवल्स है क्या, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। दोस्तों बायोटिन का दूसरा नाम विटामिन एच भी होता है, या फिर जो विटामिन बी का ग्रुप होता है उसमें से B7 विटामिन को भी बायोटिन कहा जाता है। अब ये बायोटिन जो होता है ये रिवर्सिबल कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है उसको इजी करता है। मतलब जो आपकी सेल्स होती है वो एक दूसरे से बातें करती है उसमें ये हेल्प करता है। जो एपिथेलियल सेल्स होती है जो वहाँ पे नई सेल्स बनाती है उसके लिए भी बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बायोटिन हम जनरली किस डोज में लेते हैं? तो दोस्तों 10 माइक्रोग्राम्स, 50 माइक्रोग्राम्स टू 100 माइक्रोग्राम्स तक हम ये डेली बेसिस पर बायोटिन ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो स्टमक अपसेट या फिर माइल्ड एब्डोमिनल पेन, पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द होना, इसके जैसे साइड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज बायोटिन के दूसरे कोई मेजर साइड इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जैसे हम इसको खाते हैं ये हमारे बॉडी फ्लूइड में फैल जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो यूरिन से एक्सीट होने के कारण इस विटामिन को ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है? जब हम कोई दो दवाइयाँ लेते हैं तो उन दो दवाइयों की वजह से उन दवाइयों के ऊपर या फिर बॉडी में जो उन दवाइयों का काम है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, इसके हम ड्रग इंट्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे एंटी कन्वर्जन मेडिसिन होते हैं, जिसका मतलब मिर्गी आने के बाद में या फिर फिट आती है उसके बाद में, जैसे पेशेंट अजीब से हिलता है उसके बाद में उसको जो बारबिट्यूरेट जैसे टैबलेट्स दी जाती है, उन टैबलेट्स की वजह से ये बायोटिन जो है, ये बायोटिन का जो डिफिशियंसी वो हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के फंक्शन में और एब्सॉर्प्शन में हिंड्रेंस डालते हैं या फिर प्रॉब्लम देते हैं। दूसरा पॉइंट होता है जो डायबिटिक या फिर जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होते हैं उनकी वजह से भी ये गोलियाँ जो होती है ये एब्सॉर्प्शन उसका कम होता है। तीसरा पॉइंट होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, जिसकी वजह से आपका एंटी जो बैक्टीरियल ब्लड फ्लोरा होता है वो गट फ्लोरे में प्रॉब्लम आती है, वहाँ के बैक्टीरिया जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और जिसकी वजह से इसका एब्सॉर्प्शन कम होता है। अब इसके अलावा डायबिटीज़ जैसे पेशेंट में जब भी हम ये गोलियाँ लेते हैं तो उनकी शुगर लेवल थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है, तो उनमें भी ये जानकारी होना ज़रूरी है कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही है, और आपको आपके डायबिटोलॉजिस्ट से भी इसके लिए सलाह लेनी ज़रूरी है। लास्ट में पॉइंट होता है स्मोकिंग। दोस्तों जब भी कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो ये जो ड्रग है ये एब्सॉर्प्शन के बाद जिस साइट पे जाके मेटाबोलाइज होता है उसका टाइम कम होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इस ड्रग का रहने का टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका हेल्पफुलनेस जो होता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो कम हो जाता है। तो आपको स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा जब ये टैबलेट आप ले रहे हैं। दोस्तों बायोटिन के बारे में लास्ट पॉइंट हमें जानने की ज़रूरत है, वो इसकी टॉक्सिसिटी। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के कारण इसकी टॉक्सिसिटी होना लगभग मुश्किल है, या फिर नामुमकिन हम कह सकते हैं। या इससे होता क्या है, जितना भी हम बायोटिन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में आपकी किडनी जो है वाटर के साथ फ्लश आउट कर देती है एक्सेस बायोटिन को, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपके शरीर में रखते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव ड्रग है हेयर लॉस के लिए और फिर हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए। अगर बायोटिन के बारे में आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।